Hi everyone, I'm Saili. Welcome to our channel where every Wednesday I upload a new song tutorial so that you can learn ukulele successfully. So you don't want to miss out, right? Subscribe the channel with the bell icon so you'll get notified every time I upload a new video. Get ready to learn Sun Raha Hai Na Tu in this video. Before we get started, make sure aapka ukulele tuned hai. G, C, E, A is the standard tuning. अगर आपको ट्यूनिंग में हेल्प चाहिए, आई हैव मेड वीडियोस, चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस सॉन्ग में हमें 7 कॉर्ड्स लगेंगे, सी, ए माइनर, एफ, जी, ई माइनर, डी माइनर, ई. सो अगर आपको कॉर्ड्स पता है, यू कैन स्किप अहेड. अगर आपको नहीं पता है, वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द कॉर्ड्स. लेट्स सी देम वन बाय वन. फर्स्ट कॉर्ड इज सी कॉर्ड. तो सी कॉर्ड को बजाने के लिए रिंग फिंगर जो है आपका, वो थर्ड फ्रेट पे रखना है और फर्स्ट स्ट्रिंग पे. दिस इज सी कॉर्ड. फॉर ए माइनर कॉर्ड, मिडिल फिंगर को रखो सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे एंड प्रेस डाउन दैट स्ट्रिंग सो दैट यू विल गेट नाइस एंड प्रॉपर साउंड. नेक्स्ट इज एफ कॉर्ड. एफ कॉर्ड बजाने के लिए ए माइनर वैसे ही पकड़ के रखो. आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको एड करना है फर्स्ट फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे. दिस इज एफ कॉर्ड. नेक्स्ट इज डी माइनर कॉर्ड. डी माइनर को बजाने के लिए एफ को वैसे ही होल्ड ऑन करके रखो. जस्ट पुट योर रिंग फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज जी कॉर्ड. जी कॉर्ड को बजाने के लिए मिडिल फिंगर रखना है सेकेंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, इंडेक्स फिंगर रखना है सेकेंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे और रिंग फिंगर रखना है थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे. दैट्स जी. नेक्स्ट इज ई माइनर कॉर्ड. ई माइनर को होल्ड करने के लिए इंडेक्स फिंगर रखना है सेकेंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर ऑन फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. That's E minor. और लास्ट कॉर्ड है E कॉर्ड. तो E को बजाने के लिए इंडेक्स फिंगर आपको रखना है सेकेंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर रखना है फोर्थ फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, रिंग फिंगर रखना है फोर्थ फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे और स्मॉल फिंगर, पिंकी फिंगर आपको रखना है फोर्थ फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे. That's E कॉर्ड. ये 7 कॉर्ड्स हम यूज करेंगे थ्रू आउट द सॉन्ग. सो गेट थ्रू ऑल द कॉर्ड्स वन बाय वन एंड मेक श्योर यू आर एबल टू होल्ड ऑल द कॉर्ड्स प्रॉपरली. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. स्ट्रमिंग पैटर्न इस सॉन्ग के लिए कुछ ऐसा है. डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप. ओके, तो इसको ब्रेक डाउन कर लो. पहला पार्ट डाउन डाउन, सेकेंड पार्ट अप अप डाउन, थर्ड पार्ट डाउन एंड लास्ट पार्ट डाउन अप. सो डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप. लेट्स ट्राई इट विथ कॉर्ड्स. सो जस्ट ए माइनर कॉर्ड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ए माइनर होल्ड करके डाउन down up up down 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 up down down up up down 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 up. All right, so make sure ki aapka chords aur strumming jo hai wo sync mein hai and you can try chord switching exercises as well along the way. Chord switching exercises पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, यू कैन वॉच दैट एज वेल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट विल हेल्प यू अलॉन्ग वेन यू आर प्लेइंग द सॉन्ग. इस सॉन्ग में हम 3 कॉर्ड प्रोग्रेशंस यूज करेंगे. एक्चुअली 5 कॉर्ड प्रोग्रेशंस है बट एडिशनल जो 2 कॉर्ड प्रोग्रेशंस है दे आर क्वाइट एन अपडेट फॉर द फर्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन. सो वी विल सी दैट. फर्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन इज ए माइनर, एफ, जी, ई माइनर एंड एफ. नेक्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन इज ए माइनर एंड जी. थर्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन इज ए माइनर, जी, एफ, डी माइनर एंड ई माइनर. अब जो
एडिशनल दो कॉर्ड प्रोग्रेशंस मैंने बताए, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन विल बी वेरिएशन टू आवर फर्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन. तो फोर्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से जाएगा, ए माइनर, एफ, जी, ई माइनर. तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन में जो लास्ट एफ था उस कॉर्ड को हटा दिया है. वी गेट आवर फोर्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड आवर लास्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन गोज लाइक दिस, ए माइनर, एफ, जी एंड ई. दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट द कॉर्ड प्रोग्रेशन. I forgot to mention that we will need a capo. I mean, I'll need a capo, so I'm going to put it on 3rd fret. अगर आपको use करना है तो use कर सकते हो, नहीं करना है that's all up to you and your voice range as well. Chords same ही रहेंगे whether you use capo or not, okay? First part जो है song का, वहाँ पे हमें first chord progression use करना है दो बार, और throughout the chord progression E minor और F में strumming pattern divide होता है. So let's see how that goes. A minor पे पूरा strumming pattern, F, G पूरा strumming pattern. Now with E minor all you have to do is down, down, then switch to F and up, up, down, 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 up. Got it? So let's play that once and let's start the song. Okay, starting off with A minor, down, down, up, up, down, 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 up, F, G, E minor and F. मुझको इरा दे दे, कसमे देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने it. इसके बाद हमें यूज करना है सेकेंड कॉर्ड प्रोग्रेशन ए माइनर एंड जी ट्वाइस. अगेन पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बजाना है ऑन बोथ द कॉर्ड्स. अपने कर्म के कर दाए, कर दे इधर भी तूने गाए. देन वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन विच इज ए माइनर, जी, एफ, डी माइनर, ई माइनर. So let's play that. सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं. A minor, G दोनों पे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न दो बार बज रहा है, एफ पे एक बार बज रहा है, डी माइनर पे दो बार बज रहा है एंड ई माइनर पे भी दो बार बज रहा है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड और जस्ट कंटिन्यू स्ट्रमिंग पैटर्न अंटिल यू हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट कॉर्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, वी आर गोइंग टू यूज आवर फोर्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन ए माइनर, एफ, जी, ई माइनर ट्वाइस. लेट्स प्ले दैट. मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तजा. आगे के दो लाइन पे हम यूज करेंगे हमारा फिफ्थ कॉर्ड प्रोग्रेशन विच इज ए माइनर, एफ, जी. ए माइनर और एफ में स्ट्रमिंग पैटर्न डिवाइड होता है. सो ए माइनर पे आपको करना है डाउन डाउन स्ट्रम और बचा हुआ स्ट्रमिंग पैटर्न एफ पे बजाना है. जी पे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न आया. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. ये मेरी जमानत है, और लास्ट में आपको ज्वाइन करना है ई विद दिस. गॉट इट? दिस इज द एंटायर सॉन्ग फ्लो. लेट्स सी द प्ले अलोंग.
this is how the song goes. I really hope you enjoyed this tutorial. If you did, then make sure to hit the like, subscribe karna mat bhulna for new tutorials every Wednesday. And I'll see you guys in the next one. Until then, love and positive vibes. Bye.